मुआज़िज़ नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी का भी वाईफाई यूज़ करें और उस बंदे को पता ना चले, तो आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे कि आप अपने मोबाइल की स्टेटस बार से वाईफाई आइकन को हाइड कैसे कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल नॉलेज जोन को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह की इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगे घंटी के निशान पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुआज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। इस ऑप्शन पर टैप कर दें। अब आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए तो यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा नोटिफिकेशंस आइकन का। अगर आपने नोटिफिकेशंस ऑफ करने हैं तो आप नोटिफिकेशंस भी ऑफ कर सकते हैं जो कि स्टेटस बार पर नज़र नहीं आएंगे। और उसके नीचे आपको एक स्टेटस आइकन का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ टैप करें। अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म के स्टेटस बार पर शो होने वाले आइकन हैं जिनमें से किसी को भी आप हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीपीएन को भी हाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वाईफाई की। तो आपको यहाँ वाईफाई का एक आइकन नज़र आ रहा होगा, जैसे ही आप वाईफाई के आइकन को टर्न ऑफ करते हैं तो देखें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि वाईफाई आइकन हाइड हो जाता है। तो इस तरह आप किसी भी मोबाइल पर वाईफाई आइकन को हाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी दीजिएगा। शुक्रिया।